कांग्रेस की हालत अब ऐसी हो चुकी है घर के ना घाट के। जो हिजाब का मामला आया, मैं उड़ीपी को जाके कम से कम 2 दिन वहाँ रो के वहाँ के तमाम लीडरों को बुला के बात करके ये मसले को हल करो, इधर ही ख़त्म करो बोल के बात करके आया था। लेकिन इसमें SDP वाले बच्चे जो हैं उन्होंने जाकर कोर्ट को चले गए, जाने के बाद वो हमारे हाथ से निकल गया। मैं अब्दुल जब्बार साहब से कहना चाहता हूँ और कांग्रेस के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले कोर्ट को जाने वाले यूथ कांग्रेस के लोग, आपको मालूम होना चाहिए ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर SDPI को कटघरे में खड़ा करना, इनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले जो रोल करना है, हम लोग हर रोज हर मोहल्ले में हर जगह बैठ के उस चलते से बात करते हैं, खासकर हमारे मसले मसाइल जो है अखबारों में और TV में नहीं आते हैं। फिर जब बहुत काम करे फोटो नहीं डाल सकते तो मुसलमानों के वोट लेने के वास्ते मीडिया में बैठ कर कूदे थे लोग, तो यहाँ पर कांग्रेस को वोट करे थे, JDS को वोट करे थे, लेकिन ये दोनों मिलकर यहाँ के MLAs 14 कांग्रेस के और 3 JDS के मिलकर BJP को लेकर आए हैं और BJP की सरकार बनाए हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मनियालिंग, ओपन बेड, AC एंड non-AC लॉज, Wi-Fi कनेक्शन फैसिलिटी, सेपरेट लॉकर, 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर, डिलक्स स्टे एंड मच मोर। एड्रेस सुपरमार्केट, अपोजिट चेतन स्कूल, गुलबर्गा। 2 दिन पहले माइनॉरिटी कांग्रेस के माइनॉरिटी कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जो उसके जिम्मेदार हैं, अब्दुल जब्बार साहब MLC गुलबर्गा आए थे। उनकी एक इंटरनल मीटिंग थी कांग्रेस की। वैसे तो मालूम है कि कांग्रेस के अंदर ऑलरेडी कांग्रेस की हालत अब कैसी हो चुकी है, आप तमाम लोगों को मालूम है। कांग्रेस की हालत अब ऐसी हो चुकी है घर के ना घाट के, कहीं के भी नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर ऑलरेडी फूट है, उन चीजों को सुधारने के लिए, उन चीजों को सही करने की पूरी एक नाकाम कोशिश कांग्रेस कर रही है। उस मीटिंग के दौरान, उस मीटिंग में बराबर जहां कहीं भी माइनॉरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, ये 5 साल में पहली बार ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। 5 साल तक इन्होंने कोई माइनॉरिटी मीटिंग नहीं करे, कोई माइनॉरिटी इश्यूज के ऊपर बात नहीं करे, माइनॉरिटी बजट के ऊपर बात नहीं करे, कुछ चीज बात नहीं करे, इवन हिजाब के ताल्लुक से होंदे, कुछ भी होंदे, वहां पर बैठकर एक जिम्मेदार शख्स होकर अब्दुल जब्बार साहब वहां पर कहते हैं कि SDPI की वजह से हिजाब का इश्यू बढ़ गया और हिजाब का इशू कोर्ट को लेकर जाने वाले SDPI वाले, हम जाकर वहां पर काम करें हैं, ऐसा एक झूठी बात, एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर माइनॉरिटीज के अंदर, खासकर मुसलमानों के अंदर एक गलत फहमी फैला रहे हैं SDPI के ताल्लुक से। मैं अब्दुल जब्बार साहब से कहना चाहता हूं और कांग्रेस के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, सबसे पहले कोर्ट को जाने वाले यूथ कांग्रेस के लोग, आपको मालूम होना चाहिए यूथ कांग्रेस के लोग सबसे पहले कोर्ट को गए हैं ये हिजाब का इशू लेकर, और हिजाब के इशू के ताल्लुक से लगातार SDPI वहां पर मसले को हल करने के लिए UT खादर साहब और तमाम कांग्रेस के MLAs को, बारहा कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन लोगों को जोड़कर काम करने का काम की है SDPI। और SDPI जब खड़ी हुई है इन बच्चों के साथ, उस वक्त जब कांग्रेस के लोग इन बच्चों का साथ देने का छोड़ दिए, जब BJP और संघ परिवार के लोग जब लगातार हिजाब के ताल्लुक से टारगेट कर रहे थे मासूम बच्चियों को, उस वक्त SDPI बोली कि हम पूरा का पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे इन बच्चों को, जो भी लीगल कार्रवाई है उसके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने SDPI के तरफ से इस हिजाब के ताल्लुक से हम उनका सपोर्ट किए हैं। तो ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर SDPI को कटघरे में खड़ा करना, इनको शर्म आनी चाहिए सबसे पहले। और एक चीज, खुद यहां पर हिजाब के ताल्लुक से आपके प्रेसिडेंट जब DK शिवकुमार MLAs को इंस्ट्रक्ट करते हैं, तमाम लीडर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हिजाब के बारे में बात नहीं करना, मुसलमानों के इश्यूज के बारे में बात नहीं करना, ओपनली ट्वीट करके डालते हैं मुसलमानों के इश्यूज के ऊपर बात नहीं करना, उस वक्त आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग कहां गए थे, माइनॉरिटी चेयरमैन कहां गए थे, माइनॉरिटी के बड़े बड़े लोग जो मुसलमानों के पास आकर कांग्रेस के नाम पे वोट लेते हैं वो लोग कहां गए थे। आज यहां पर मीडिया में बोल रहे हैं हम बहुत काम करे, हम हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, मीडिया में नहीं ला सकते, फोटो नहीं डाल सकते। तो फिर जब बहुत काम करे फोटो नहीं डाल सकते तो मुसलमानों के वोट लेने के वास्ते मीडिया में बैठ कर कूदे थे, मुसलमानों के हम खैर खां हैं बोलकर क्यों बोलते हैं आप, जब आपको बताना नहीं है। तो हिकमत अमली इसके अंदर भी रहना चाहिए, इसमें क्यों नहीं है आपकी हिकमत अमली।
तो ये कांग्रेस की जो एक ये कांग्रेस का क्या है मालूम है, वो ये खुद अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के खैरखा नहीं है, ना ही माइनॉरिटीज के खैरखा है, यहाँ ना ही दलितों के खैरखा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर इनके बहुत सारे मसले मसाइल हैं। इसी के वजह से क्या कहा था येडियुरप्पा ने सीएम को, असेंबली में कहा था जब येडियुरप्पा सीएम बने थे, उस वक्त येडियुरप्पा जी ने कहा था इसको सिद्धरामैया जी को, क्या कहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धरामैया साहब कि आपने अपने 14 एमएलए को मेरे पास भेजा जिसकी वजह से मैंने गवर्नमेंट बनाई। कौन लाए बीजेपी को कर्नाटक में? बीजेपी को लाने वाले यही 14 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में गए 50-50, 100-100 करोड़ रुपए लेकर, जिसकी वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। यही जेडीएस के 3 एमएलए बीजेपी में जाने की वजह से बीजेपी की सरकार बनी। लोग तो यहां पर कांग्रेस को वोट कर रहे थे, जेडीएस को वोट कर रहे थे, लेकिन ये दोनों मिलकर यहां के एमएलए 14 कांग्रेस के और 3 जेडीएस के मिलकर बीजेपी को लेकर आए हैं और बीजेपी की सरकार बनाए हैं। तो यहां पर मुसलमानों को या फिर दूसरे किसी भी कौम को इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी लीडर्स हैं इनको भी सोचना चाहिए। खुद के अंदर बहुत सारे खामियां रखकर दूसरों को आईना दिखाना ये बहुत बहुत सारे लोगों को आता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में एसडीपी बिल्कुल इनको सबक सिखाएगी। तमाम कर्नाटका में ऑलरेडी हम लोगों ने 54 जगह पर कंटेस्ट करने का ऑलरेडी हमने ऐलान किया है। 20 कैंडिडेट को हम कैंडिडेट के नेम्स भी हम लोग फाइनल कर चुके हैं और 10 कैंडिडेट का नाम भी हम रिलीज करे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गुलबर्गा नॉर्थ के कैंडिडेट भी हम अनाउंसमेंट करेंगे। गुलबर्गा नॉर्थ और गुलबर्गा रूरल और गुलबर्गा साउथ तीनों जगह का इंशाल्लाह हम लोग ऐलान करेंगे।